रोहतक से पूर्व कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया, जिसके चलते बीजेपी का सत्ता से जाना तय है और अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आसिफ इकबाल ने। हरियाणा विधानसभा की उल्टी गिनती चल रही है, तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। हम इस वक्त दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं, सीधे इनसे पूछ लेते हैं क्योंकि भीड़ ये दिख रही है अपने आप में ज्वाइनिंग और लगातार। दीपेंद्र जी, किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या? उल्टी गिनती तो खट्टर सरकार की शुरू हो चुकी है, हरियाणा विधानसभा की तो सीधी गिनती की तरफ हम बढ़े हैं। हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। हाँ, विधानसभा चुनाव में मैं समझता हूँ ये जो घमंड और अहंकार में डूबी हुई सरकार, बीजेपी सरकार, 5 साल हरियाणा का सत्यानाश सरकार ने कर दिया, ऐसे नज़ारे दिखा दिए इन 5 साल में हरियाणा में, जो हरियाणा की जनता ने कभी नहीं देखे होंगे। हर तरीके से नुकसान पहुंचा कि पूर्ववर्ती सरकारें जो रही हैं, पूर्ववर्ती सरकार जो रही है उसने कोई काम नहीं किया, काम हमने किया 5 साल, वो बार बार ये जो पूरे ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा के एक एक जिले में आप आकलन करा सकते हैं। ये कहना कि हुड्डा सरकार में काम नहीं हुआ था विकास कार्य और हमारे ने विकास कार्य किया है, मैं इससे बड़ी हास्यास्पद कोई बात नहीं समझता। आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव के लिए? हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी पार्टी संगठन का फैसला हुआ उसमें काफ़ी देरी हुई, हम इस बात को स्वीकारते हैं। आखिर में हमें और जोर लगा के तैयारी की तरफ बढ़ना पड़ रहा है और हमें मगर विश्वास है कि हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में आखिरी सवाल आपसे, घमंड का जो घड़ा भरा हुआ है बीजेपी का हरियाणा में, उस घमंड के घड़े को हम फोड़ने का काम। आखिरी सवाल आपसे, थोड़ा देर हुआ है तो ये तमाम चीज़ें अब स्थिर तौर पर सारी चीज़ें संभल गई हैं, सारी चीज़ें अब एकजुटता दिखेगी अब फील्ड में? देखिए, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और जिस प्रकार से चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और शैलजा जी के नेतृत्व में अभी जो अभियान शुरू हुआ है, उस अभियान से कांग्रेस में जान आई है प्रदेश के अंदर। बहुत शुक्रिया साफ तौर पर माता दीपेंद्र हुड्डा थे जो तमाम बातें वे बाकी से बता रहे हैं। कैमरा विवेक के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया दिल्ली।